भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती अक्सर अपने विचलते काफी सुर्खियों में रही हैं। आज फिर उन्होंने प्रदेश की जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सत्ती का आरोप है कि लोगों ने लालच में आकर कांग्रेस को वोट दिया है। प्रदेश में भली चंगी चल रही भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9% से भाजपा पिछला विधानसभा चुनाव हारी है। लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करके अब पछता रहे होंगे। सती ने कहा कि अगर लोग चंद सिक्कों के लिए ना बिकते तो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। उन्होंने कहा कि कोई सस्ती बिजली की लालच में आ गया तो कोई गोबर बेचने की लालच में आ गया, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आ गई और भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। सती ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास करने की बजाय एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। ऊना मंडल भाजपा की बैठक में बोलते हुए सती ने अपने मन का गुबार निकाला। बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई वो लोगों को बरगला करके कुछ वर्गों को लालच दे करके बनाई, और आज कांग्रेस के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। मंत्रिमंडल तक का गठन कांग्रेस नहीं कर पाई है, 3 मंत्री आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, न प्रदेश हाईकमान निर्णय ले पा रही है, न केंद्रीय हाईकमान निर्णय ले पा रही है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना। तो जो अभी बयान सुधीर शर्मा जी का आया है, राजेंद्र राणा जी का आया है, इसके साथ साथ इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया था कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसी तरह के बयान विक्रमादित्य सिंह ने समय समय पर दिए हैं। ऐसे ही कांग्रेस के फिर एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के। तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार इस जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है उससे निपटने में कम टाइम लगा रही है, प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उससे निपटने में ज़्यादा समय लग रहा है। अब प्रदेश की जनता को भी ध्यान में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया चुनावों के दिन में, एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को हटा करके चंद लालच में पड़ करके कुछ लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। हम लोग 0.9% से हार गए। बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को भी पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा था जो चंद लालच में चला गया। 1500 रुपया पेंशन के कारण चला गया, महिलाओं का ग्रुप और कुछ लोग अन्य लोग गए, अलग अलग वर्ग थे उसमें। कोई दूध बेचने के चक्कर में चला गया, कोई गोबर के चक्कर में चला गया, कोई नौजवान लोग 5 लाख नौकरियां मिलेंगी सरकारी उसके चक्कर में चला गया, कुछ और लोग भी गए जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुख रखा और प्रदेश को पीछे रखा। अब वो देख रहे हैं प्रदेश की दुर्दशा क्या हुई है। तो ऐसे जो इनके विरोधाभासी बयान हैं जो दर्शाते हैं कि अभी तो मंत्रिमंडल बना नहीं है, जब बन जाएगा उसके बाद और विरोधाभास शुरू होगा। सत्ता का इम्बैलेंस है इसमें, कुछ जिलों के अंदर सत्ता पूरी कूट कूट करके भर दी गई और कुछ प्रदेश के जिलों के अंदर सत्ता में उनको इग्नोर कर दिया गया जिनका योगदान, जैसे कांगड़ा है उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में है, 15 में से 10 सीटें कांग्रेस को दी हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ हालत बड़ी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और ध्यान में आएंगी। जो सरकार ऐसे ही चलेगी जितना चलती है उतना देखेंगे, और जब तक है तो प्रदेश की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। जो भी जनता ने किया है उसका खामियाजा जब सब लोग भुगत रहे हैं तो जनता को देखना पड़ेगा। अटल जी को याद करेंगे और उसके साथ साथ 30 अगस्त इस देश के अंदर बहुत पुराना पर्व है, हमारा भाईचारे का पर्व है, रक्षाबंधन, भाई और बहन का रिश्ता जो है पवित्र रिश्ते की याद लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, जब भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा लंबे समय से उन लोगों के कलाई के ऊपर रक्षा बंधन करते हैं, रक्षा का वो सूत्र बांधते हैं जो अपने घरों से दूर हैं, जो अपनी बहन से दूर हैं, जैसे हमारे फोर्सेस के लोग रहते हैं, जैसे बॉर्डर एरियाज है वहाँ मिलिट्री के लोग हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं, या अपने घरों से बैठे हुए पुलिस के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 30 अगस्त को महिला मंडल के माध्यम से, महिला मोर्चा के माध्यम से ऊना मंडल के अंदर रक्षा बंधन के दिवस को मनाएगी, उसका निर्णय भी लिया गया है। हम लोग देखेंगे उस दिन कहाँ इस रक्षाबंधन दिवस को हमारी महिला मोर्चा की महिलाएं फोर्सेस के पास जाकर के उनको रक्षा के सूत्र को बांधेंगी। और उसके साथ साथ एक और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, अमृत काल चल रहा है पूरे देश के अंदर,
तो मेरा देश मेरी माटी ऐसा एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हर गांव से मिट्टी लेकर के दिल्ली तक लोग जाएंगे, पूरे देश के अंदर एक स्थान पर पूरे हर गांव की मिट्टी, हर शहर की मिट्टी को एकत्रित किया जाएगा। और जहां दिल्ली में हमारा जो वार मेमोरियल बना है, वहां एक बहुत बड़ा पार्क ऐसा दिल्ली के अंदर बनेगा जो 75 वर्ष पूरा होने के ऊपर दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा। तो देश की जगह जगह की मिट्टी वहाँ पहुँचाई जाएगी। तो मेरा देश मेरी माटी ये कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी अभी हर गांव के अंदर मीटिंग करके करेगी और वहाँ से मिट्टी लेकर के उसको एक स्थान पे इकट्ठा करके दिल्ली पहुँचाएंगे। इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम जो देश हित के कार्यक्रम हैं, समाज हित के कार्यक्रम हैं, उन सब कामों की योजना आज बनाई गई है और आगे कार्यकर्ता हर गाँव के अंदर इन कार्यक्रमों को करेंगे और पार्टी के नेता लोग वहाँ पर जाकर के गांव के अंदर, शहरों के अंदर, वार्ड के अंदर इन कार्यक्रमों को अमली जमा बनाएंगे ताकि लोगों के अंदर आज़ादी जो हमें बड़े लंबे समय के बाद मिली उसका भी जश्न मनाया जा सके। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।